तो बेसिकली हमने जो पैकिंग था ना, इन जनरल बता दो कि क्या क्या चीज़ें रखा। तो मैंने हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग। एक और वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। आई एम रणधीर यादव, फिफ्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड आज मैं समारा के लिए निकल रहा हूँ। फिलहाल थोड़ा सा डिले है मेरा फ्लाइट। मैं सुबह फ्लाइट मेरी 5 बजे एरोफ्लॉट की फ़्लाइट है, और मेरे को कल शाम में 5-5:30 बजे के आसपास पहुँचा देगी समारा। तो उतना ज़्यादा इशू नहीं है। बाकी मेरी सारा पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, सब कुछ मैंने पैक कर लिया है। पैकिंग जो मैंने स्पेशली इसमें वीडियोस वगैरह में दिखाया नहीं, क्योंकि पैकिंग में क्या क्या चीज़ें पैक करना चाहिए आपको, मैंने स्पेशली सेपरेट से वीडियो बना लिया था। इसलिए मैं वीडियो को काफ़ी लंबा ज़्यादा नहीं करना चाहता था। तो वीडियो को लास्ट तक देखो। बस इस वीडियो में आपको ये चीज़ मिलेगा, सबसे पहले चीज़ कैसे ट्रेवल करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अपने यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंचते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर को, सेकंड ईयर को, थर्ड ईयर को, किसी भी ईयर के हो, कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो वीडियो, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप आते हो तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको पासपोर्ट है आप पासपोर्ट दिखाओ, अपना टिकट दिखाओ, टिकट दिखा के आप मेरे पीछे सिक्योरिटी चेकिंग का जो दिख रहा है सबसे पहला गेट, वहाँ से आप अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद ऐसे बोर्ड लगे हुए इन्फॉर्मेशन बोर्ड, इन्फॉर्मेशन बोर्ड से आप अपना इन्फॉर्मेशन दो, कौन सा मतलब गेट पे आपका चेक इन चल रहा है, वहाँ से आप अपना बोर्डिंग पास क्रिएट करो। फिलहाल जो मेरा बोर्डिंग पास चल रहा है वो एच गेट पे और आई गेट पे चल रहा है, तो मैं उसमें चलता हूँ और मैं बोर्डिंग क्रिएट करता हूँ। तो गाइज़ फाइनली मेरा सारा कुछ हो गया, बोर्डिंग वगैरह हो गया, बोर्डिंग कंप्लीट हो गया है, और सिक्योरिटी चेक इन हो गया, बोर्डिंग बोर्ड मतलब जो पासपोर्ट पे स्टैम्प वगैरह लगना था वो सारा कुछ हो गया था। एक फ़नी सा चीज़ मेरे को सुनने मिला कि जहाँ पर मैं सिक्योरिटी चेक इन करवा रहा था तो वहाँ पर उन्होंने ये बोला कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि मेरा स्टडी चल रहा है मेडिसिन में, फिफ्थ ईयर में हूँ। तो उन्होंने बोला कि उनको एक्चुअली जो सिक्योरिटी चेक इन वाले कर रहे थे ना, उनको ये भी पता नहीं था कि मतलब जो बाहर के जो बच्चे होते हैं उनका MBBS कितने साल का होता है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा बाहर का MBBS 6.5 साल मतलब 6 साल की होती है, और जो यहाँ पर स्टूडेंट जो MBBS करते हैं उनकी MBBS होती है 5.5 साल की। तो ये डिफेंस वेरी करता है। तो उन्होंने ये पूछा कि मतलब बाहर में और मतलब यहाँ में क्या है, मतलब 6 महीने का क्यों गैप डिफरेंस है। बोले ये थोड़ा सा ऐसा है कि वहाँ का कोर्स 6 महीना ज़्यादा रहता है और यहाँ पर ऐसा है कि 6 महीना पहले ख़त्म हो जाता है, पर एजुकेशन जो है दोनों ऑलमोस्ट सेम है, जो क्लासेस वगैरह होती है, सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं वो भी सेम है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि जो सिक्योरिटी चेक इन वाले लोग हैं, जो आपकी सिक्योरिटी चेक इन करते हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं होता कि आप क्या है नहीं है। उनको बस ये होता है कि आपका सारा डॉक्यूमेंट क्लियर हो, आपका जो फ्लाइट हो वो सही टाइम से हो और कोई दिक्कत ना हो। तो यही सब चीज़ें होता है। बाकी आप निश्चिंत होकर आराम से आइए यहाँ पर, जल्दी आ जाइए 1-2 घंटा पहले आराम से फ्लाइट को लेने के लिए, और यहाँ पर आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं सब चीज़ें अच्छी है। तो ये है अंदर का व्यू, जहाँ पर हम एयरपोर्ट के अंदर जब आ जाते हैं, वो वाला एरिया था जहाँ से हम अपना कस्टम के मतलब ड्यूटी फ्री से सामान वगैरह खरीद सकते थे। ड्यूटी फ्री सामान खरीदने वगैरह कुछ ब्रांडेड स्टोर्स वगैरह हैं अंदर में, बॉस वगैरह हैं और रेडो करके, ये सब कुछ कुछ सामान वगैरह जहाँ पर आप कपड़े वगैरह या कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं एज पर यूर। तो गाइस फाइनली हमारी बोर्डिंग हो गई और निकल गए। 5 बजे की फ्लाइट थी, पर काफ़ी लेट इन्होंने बोर्डिंग स्टार्ट किया, पर स्टिल काफ़ी मेरे पास लगेज वगैरह हो गया है, तो हम चलते हैं, बाकी फ्लाइट में बैठ के बात करेंगे। सो Thank you.
सो गाइस हम दिखाएंगे कि फ़्लाइट में हमें क्या क्या चीज़ें मिला है। तो ये फ़्लाइट है 3x3 सीट की फ़्लाइट है, आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छी है और ज़्यादा बड़ा फ्लाइट नहीं है पर कंफर्टेबल है, और कूलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। डिस्प्ले वगैरह कुछ भी नहीं है, बस आप यहाँ से खोल के आप इसको यूज कर सकते हो, बस कुछ भी आप अपना पढ़ने उड़ने के लिए कुछ भी चीज़ करने के लिए। बाकी यहाँ मैनुअल है दिया हुआ है, और यहाँ कुछ अपना रख सकते हैं जैसे मोबाइल वगैरह आप ऐसे रखें, आपको रख के आपको कुछ यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो ये बस, और दैट्स इट। और बाहर का विंडो व्यू है एकदम काफ़ी अच्छा। सो वैसे अगर आप एयरपोर्ट की फ़्लाइट लेते हो तो आपको बस यही चीज़ें मिलेगी, मतलब डिस्प्ले वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, और खाना वगैरह मिलेगा, सीट वगैरह काफ़ी अच्छी है। कई बार फ़्लाइट काफ़ी बड़ी आती है, कई बार छोटी आती है। मेरा लास्ट टाइम मेरे जो फ्रेंड की फ़्लाइट थी वो काफ़ी बड़ी थी, और मेरी फ़्लाइट है जो ठीक है छोटी है, तो मतलब ज़्यादा बड़ा फ़्लाइट में क्या होता है ज़्यादा लोग होते हैं तो मतलब थोड़ा सा मतलब स्पेस कम हो जाता है सामान वगैरह का, पर इसमें कम लोग हैं स्पेसियस हैं सामान वगैरह का, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो वेल एंड गुड। In the event of cavity compression, oxygen masks will drop down from the overhead panels. Для подачи кислорода резко. तो गाइस यहाँ पर हम लोग, मैं समारा से आके यहाँ पर, जैसे यहाँ से आके मैं एग्जिट किया, और यहाँ पर हमारा ट्रॉली वगैरह मिल रहा है। जैसे फर्स्ट ईयर का कोई भी स्टूडेंट आता है ना तो इस पॉइंट से निकल के बाहर आते हैं, और यहाँ पर ट्रॉली वगैरह अपना कलेक्ट करके, और जो सामने आप देख रहे हो ना वो एग्जिट, वहाँ से एग्जिट होते हैं बिल्कुल बाहर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल छोटा सा एग्जिट पॉइंट है, वहाँ से आप आराम से निकल के टैक्सी वगैरह जा सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश नहीं है, तो आपको कोई भी सामान कलेक्ट करने में आपको दिक्कत वगैरह नहीं होगा, ठीक है। उधर साइड से ना मेरे को मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं लगा, क्योंकि जब मेरी दिल्ली से फ़्लाइट थी तो 5 बजे की फ़्लाइट थी, तो 6 बजे आसपास टेक ऑफ किया वहाँ पर, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिले हो गया फ़्लाइट। और उसके बाद क्या हुआ था कि जब हम यहाँ पे लैंड किए तो मेरी 10 बजे के आसपास लैंडिंग टाइमिंग थी, तो वो करीब 10:30 बजे के आसपास लैंड हुआ, और फिर मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैं जल्दी जल्दी फिर वापस से आया, फिर मैं अपना सिक्योरिटी चेक इन किया। सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद जो इमिग्रेशन पेपर मिलता है यहाँ पर, फिर इमिग्रेशन पेपर कलेक्ट किया। इमिग्रेशन पेपर कलेक्ट करने के बाद वापस से मुझे बोर्डिंग लेना था समारा के लिए, फिर बोर्डिंग लिया, तो मतलब मेरे को उतना ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा, बिल्कुल फास्ट मेरे को प्रोसेस में जाना पड़ा। फिर मैं इस टाइम पे मैं वीडियोस वगैरह पर नहीं देखा, मैं सोचा मेरी इस कारण मेरे फ़्लाइट वगैरह छूट सकता है। तो जब भी आप ऐसा होता है ना कि अगर आप आ रहे हो, आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट है, और मतलब वहाँ पर इमिग्रेशन में रश बहुत ज़्यादा हो, तो आप वो क्यू को देखो जहाँ पर मतलब इंडियंस ना हो, या मतलब जैसे चाइनीज़ वगैरह हैं या कोई और कंट्री सारे वैसे ना हो, रशियंस हो, और मतलब और वैसे जो लाइन में थोड़ा कम हो, तो उस लाइन को आप कनेक्ट करो, ताकि आप जल्दी से फास्ट ट्रैक में आप निकल जाओ। उसके बाद आप जल्दी सिक्योरिटी चेक इन कर लो, सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद आप जल्दी से अपना फ्लाइट की तरफ चले जाओ, क्योंकि बोर्डिंग लेना टाइम से ज़रूरी है। अब एटलीस्ट ऐसा होता है कि आप हाफ एन आवर लेके चलो, कि हाफ एन आवर आपके पास होना चाहिए फ़्लाइट पकड़ने के लिए। मेरे पास भी इतना टाइम था, और जैसे इंडिया में ऐसा होता है कि 2 घंटा पहले या 1 घंटा पहले आपको मतलब बोर्डिंग क्लोज कर देते हैं, आधा घंटा पहले आसपास मान लो, ठीक है। पर इंडिया यहाँ पर ऐसा है ना कि 15 मिनट पहले तक खोल के रखते हैं, 15 मिनट तक टाइम रहता है, तो ये थोड़ा सा है फैसिलिटी। और कनेक्टिंग वालों को ना सेपरेट उन्होंने क्यू बना रखा है कि यहाँ से जाइए डायरेक्ट इंस्टेंट बोर्डिंग लीजिए, इंस्टेंट बोर्डिंग लेके आप सीधा चले जाइए, तो थोड़ा सा फैसिलिटी है इंडिया के रिस्पेक्ट में। बाकी अगर कोई डाउट होता है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए, तो नंबर दिया नंबर पर मैसेज कर लेना या कमेंट करके पूछ लेना, जो भी अगर डाउट होगा मैं बताता हूँ।